ओम शांति। आज है 11/2/19 के साकार महावाक्य। प्यारे प्यारे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तभी विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। प्रश्न है, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? उत्तर है, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है, तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे देवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। ये तो बच्चे जानते हैं, देवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसीलिए बाबा ने लिखित भी बनाई है कि देवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले, सतयुगी हो या कलयुगी। ये बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्यों को समझ में आती हैं। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जौहर चाहिए। जैसे तलवार में भी जौहर होता है, कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई दो पैसे की तलवार भी होती है जिसमें जौहर होता है, वह बहुत तीखी होती है, उनका दाम बहुत होता है। बच्चे में भी ऐसे हैं, कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है। जो बांधेले हैं, गरीब हैं, वे शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है। वे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल दिखाते हैं, अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते हैं। जिनमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वे भरी ढोते हैं, कहेंगे भावी। कोई फेल होते हैं व दिवाला मारते हैं तो नसीब पर हाथ रखते हैं। ज्ञान के साथ योग का जौहर भी जरूर चाहिए। जौहर नहीं तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते लेकिन अंदर खिटखिट रहती है। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है, सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं, एक बाप से ही प्रीत है। तब तो गाया जाता है कम कार डे। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने फरमान दिया है कि मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते कोई न कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। वह तो है पत्थर का बुत, उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी
पूजे जाते हैं। वह भी पत्थर की मूर्ति है ना? बोलो, इनकी आत्मा कहाँ है? अब तुम समझते हो, जरूर कोई नाम रूप में है। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट भी है। दूसरी बात, बाप समझते हैं, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते ही हैं कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परमपिता परमात्मा शिव, उनको शरीर जरूर चाहिए जो बात भी कर सके। बाकी पानी की तो बात ही नहीं, ये तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर। बाकी सबके पास है भक्ति, भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूछते रहते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वे आते ही एक बार है जब पुरानी दुनिया बदलनी है। अब ये किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए, एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। क्या लिखें जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा एक शिव ही है। वे जब आते हैं, उनके बच्चे जो ब्रह्म कुमार कुमारियां बनते हैं, वे ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं, वो ही सदगति कर सकते हैं। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते, ज्ञान होता ही है संगम पर। ये समझाने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुख चाहिए। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं, याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी, जब तक सबको पैगाम मिल जाए। पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं, खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको ये पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ, तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ये तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। पानी की गंगा क्या समझाएगी? बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं, तुम सतयुग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो। ये है बेहद की बात। बाकी ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, ये भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है। शास्त्र पढ़ना पूजा करना ये भक्ति है ना? मैं थोड़ी शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अब बाप को याद करो तो तुम ये देवता बन जाएंगे। देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे, एक आपसे ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। बाप कहते हैं, मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे,
ये है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है, राजाओं को दास दासियां भी चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, देवी गुण धारण नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। घर में कोई न कोई बात पर झगड़ा कलह होती है ना, बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में कला है, इसीलिए ज्ञान ठहरता नहीं। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं, चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी ना रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है, तुम्हारे में बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे, तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते हैं, सब बड़े बड़े चित्र हो, बाहर मुख्य स्थानों पर रखो, जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नजर पड़े, सीट पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब ना हो। मुख्य स्थानों पर रख दो, या कहाँ एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े दो तीन चित्र ही काफी हैं। ये गोला भी वास्तव में दीवार जितना बनना चाहिए, भल 8-10 आदमी उठाकर रखें, कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सतयुग में तो और सब इतने धर्म होते नहीं, वे तो आते ही बाद में हैं। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब स्वर्ग है या नर्क, तुम इस पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। जो आए उनको समझाते रहो, बड़े बड़े चित्र हो, कैसे पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं, तुम भी पांडव हो ना। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं, वह श्री कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो, कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, यहाँ भी बहुत हैं जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, फिर वे स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई दो अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे, आगे चलकर ढेर सुनेंगे। ये सारी राजधानी स्थापन होती है कल्प पहले मिसल। बच्चे समझते हैं हमने अनेक बार राज्य लिया है फिर गवाया है, हीरे जैसे थे फिर कौड़ी जैसा बने हैं। भारत हीरे मिसल था, अभी फिर क्या हुआ है? भारत तो वो ही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है, उत्तम से उत्तम पुरुष भी है, बाकी सब है कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं, 84 जन्म लेते हैं, वे शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। जब सतो प्रधान है तब तो पूछते ही नहीं, चैतन्य में है। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे, अब बाबा चैतन्य है ना, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है, आत्माएं वो ही हैं, भिन्न भिन्न शरीर धारण
करती आई है। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। अब तो देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं। यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य है ना। शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। इनमें है तो भी शिव बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। इनमें शिव बाबा आते हैं, वे ज्ञान का सागर है। इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं, तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने हैं। इसमें लिखित ही काम में आती है। पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियां हैं, वह ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही फिर देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है। ये है मुख्य चित्र। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं ये चल नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है ये कोई विरला समझते हैं। बहुत बुद्धू हैं, बाप को फारकती दे देते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेंगी। फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी, बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होंगी, यहाँ से ही निकलेंगी। फर्स्ट नंबर वाली जरूर अच्छा पद पाएगी। वह भासना आती है, बाबा को बच्चों से भासना आती है। ये बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है। एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है। एक दो को सावधान करना है, प्रवृत्ति मार्ग है ना। जोड़ी एक जैसी चाहिए, आप समान बनाना है। पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस हैं, ये बगुला है। किसमें कोई अवगुण, किसमें कोई चटा भेरी भी चलती है। मेहनत बहुत है भी बहुत सहज। सेकंड में जीवन मुक्ति, बिगर कौड़ी खर्च ऊंच से ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब जो हैं वे अच्छी सर्विस करते रहते हैं। ये तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बहुत कुछ ले जाने वाले आज है नहीं, और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। दूसरी पॉइंट है, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है, अपनी सिविल बुद्धि बनानी है।
आज का वरदान है तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। कई बच्चे कहते हैं, वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना, संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। वे सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में ला नहीं सकता। आज का स्लोगन है, हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। ओम शांति।